नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ रेणू बेन हितेश भाई शर्मा, ए मारा संभाजी स्कूल थी तुम्हारी इंग्लिश टीचर बात करूँ छू। अत्यार सुधी में आपने लर्निंग विडियोज में यूनिट वर्क वाची लीधु, यूनिट में कम्प्लीट कर लीधु विथ एक्सरसाइजेस। नाउ वी विल स्टार्ट यूनिट टू। यूनिट टू, हाउ मेनी डिड यू, कि तुम्हारी पास है कितनी वस्तु की कितनी है। सो आप जो है आ यूनिट टू में क्या स्टोरीज है, क्या के रीते एक्सरसाइजेस आपेला है। सो लेट्स सी एक्टिविटी वन ए। एक्टिविटी वन ए में थोड़ा दिवस पहला राकेश ना जन्मदिवस हतो, तेनो फोटोग्राफ जो हवे तमारा शिक्षक रमत रमाड़े ते प्रमाणे रमो। तमारा शिक्षक वाक्य बोलशे चित्र ने आधार साचा वाक्य माटे टी अने खोटा वाक्य माटे एफ लखो। एटले तमने हूँ एक चित्र आपेलो छे बर्थडे पार्टी नो, तो ए जे बर्थडे पार्टी नो चित्र आपेलो छे तमारा शिक्षक जेम की हूँ तमारा टीचर कई वाक्य बोली, जो ए वाक्य साचो होय चित्र प्रमाणे तो तमारे ट्रू लखवानुं छे, ट्रू नो टी लखवानुं छे, खोटो होय तो फॉल्स नो एफ लखवानुं रहेशे। आ हूँ तमने यूनिट ना छेले पार्ट में सॉल्व कराईश। बीजा जोई लीए एक्टिविटी वन बी। एक्टिविटी वन बी में शू छे, आपणे बधा ओळखीए छे, एक वाक्य छे सुभाष चंद्र बोस, एमने माटे कई पैसेज आपेलो छे। लेट्स सी क्या पैसेज में शू बता दिया छे। अ बॉय वॉज सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो। एक लड़का था जो लड़का छोकरो हतो जे खिड़कीनी पासे बेसेलो हतो एक टेबल नी उपर। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क। ए शू करतो हतो, एनो होमवर्क गृह कार्य करतो हतो। हिज मदर आस्क्ड, एनी मदरे मम्मीए कंई पूछ्यू, डिड यू टेक योर ब्रेकफास्ट, ही तमे तमारो ब्रेकफास्ट एटले नाश्तो लीधो। द बॉय सेड, छोकरोए कीधुं, नो मदर कॉल्ड हिम एंड सर्व हिज ब्रेकफास्ट, तो एनी मम्मीए एने पछी बोलाव्यो अने एनो ब्रेकफास्ट आपी दीधो। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट हिज ब्रेकफास्ट, ए एनो नाश्तो खावानो शुरू ज करवानो हतो। देन अ बेगर केम टू द डोर, ही सेड, ज्यारे एक भिखारी एने दरवाजा उपर आव्यो अने कीधुं, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, ये कंईक तमारी पासे जमवानुं कंईक होय तो आपो। द बॉय लुक्ड एट द बेगर, ए छोकराए पेला बेगरनी सामे भिखारीनी सामे जोयुं, ही लुक्ड रियली वेरी पुअर एंड हंग्री, એ જોવામાં એવું લાગતું હતું કે બહુ પુઅર ગરીબ છે અને બહુ ભૂખ્યો છે। A rich reward behind a tree.
So, खाली तुम्हारे ये बोल बोल रही हूँ। Then Emma, be question. Listen to the following words and repeat them loudly. आज एक words से ये तुम्हें जो ही शब्द छोड़ जे आज शब्द और आज शब्द नो जे उच्चारण हो से pronunciation हो से सर सर को हो से bit beat sit seed did deed hid heed let laid get gave met made fed paid met met dead dead had had set said so उच्चारण तो सब कुछ है पर इनी स्पेलिंग्स डिफरेंट डिफरेंट है ना मतलब पर यू नो डिफरेंट है सो जो ही नहीं है नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्टिविटी 3 में एक स्टोरी है 7-8-1-2 सेवन एट एटले सात वस्तु एकज ब्लो में एकज फूट में रीते तो आप स्टोरी वाँचनी है स्टोरी शू बता मांगे Once upon a time, there was a young boy named Gopal. एक दिवस हतो, एक बात, एक दिवस की बात होती, जावे एक नव यंग बॉय, एक जवान छोकरो हतो, जिनो नाम हतो गोपाल. He liked jalebis very much. इने इना यंग छोकरा ने जलेबी बहुत सारी लगती थी. One day he bought some fresh jalebi. Bring passed from above, brought some fresh jalebi ek divas hai amuk fresh jalebi le aayo he put them in a dish ene ene bagu dish ma mukhi didu after a while he saw flies buzzing over the jalebi thodik var ene joyu fly buzzing etle makhiyo phadti hati jalebi na upar go away dirty flies to ene kidu ki dur jao dirty flies he shouted but they didn't e chillato hato par ni makhiyo tya thi dur nahi gayi He killed 7 flies at one blow. इने एक अच फूक मा, एक अच वार मा, सात माखियों ने मारी दी दू तू. He said to himself, इने एक पोता ने सो के दो मा दो. Wow, 7 at one blow. I am very brave. कि फूक के इतलो बाद रुछो. एक अच फूक मा, सात माखियों ने मारी दी. He made a big bell. इने वो मोटो बेल्ट बनायो. He wrote 7 at one blow. अने अने ए बेल्ट के ऊपर लिखियो इने 7 एट वन ब्लो की सात माखियो एक अच फूक में उड़ाई दी द किंग हर्ड अबाउट गोपाल तो किंग है राजा है गोपाल बाबत है सांभरवा में आयो ही कॉल्ड हिम एंड सेड इने गोपाल को बुलाया और कि गोपाल यू आर अ ब्रेव बॉय कि तुम्हें एक बहादुर छोकरा छो डिड यू रियली किल 7 एट वन ब्लो कि साचे तुमने सात माखियो ने एक अच ब्लो में उड़ाई दी गोपाल सेड यस योर मैजेस्टी गोपाल ने कीधु कि हाँ दे आई डे द किंग सेड पछी राजा ने कीधु यू नो देर आर टू क्रूएल जेंट्स इन आर किंगडम कि हमारा राज्य में बे बहु खतरनाक राक्षस छे दे ट्रबल पीपल ए लोग ने हैरान करे छे सो नेक्स्ट जोइए राक्षसों ने नहीं पकड़ी सके मारी पर नहीं सके
But the king and the people had high hopes for him. પણ જે લોકો હતા રાજા હતા અને રાજા જે લોકો હતા એ લોકોને બહુ ખૂબ હતી બહુ મતલબ એમાં અંદરથી વિશ્વાસ હતું કે એ કામ ગોપાલ કરી દેશે. He thought for a long time and બહુ લાંબા સમય સુધી વિચાર્યું. Then he went out in search of the giant. પછી એ રાક્ષસોને ઢૂંઢવા માટે બહાર નીકળ્યો. He wandered here and there. એ બધી જગ્યાએ ફર્યો આમ બધી આમ આ બાજુ પેલી બાજુ ફર્યો કર્યો. He roamed in the mountains. પહાડોની અંદર ત્યાં પણ જઈ શોધ્યું. Valleys, hills હોય ત્યાં પણ જઈ શોધ્યું. But he failed. પણ એને ક્યાંય એ બંને દેખાયા નહીં. After some days he was going through the forest. થોડાક દિવસ પછી એ જંગલથી જઈ રહ્યો હતો. He saw the giants there. તો એને પેલા બે રાક્ષસ ત્યાં દેખાયા. They were under a tree. એક પેડની નીચે એ બંને બેસેલા હતા. ગોપાલ વોઝ સ્કેર્ડ. તો ગોપાલ સ્કેર્ડ એટલે બહુ ભીગ્યો હતો. He said to himself, એને પોતાને કીધું, Oh, the giants are really huge. કે જે રાક્ષસ છે એ બહુ મોટા છે. They look cruel too. એ લોકો બહુ ક્રુઅલ દેખાય છે, બહુ ખતરનાક પણ દેખાય છે. Gopal threw some stones at the giant.
तो फर्स्ट